ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइटली ले रहे हैं, और क्योंकि इसकी जो एक्सप्लेनेशन है बहुत सारी बुक्स में गलत गिवन है, ठीक है, द एक्सप्रेशन इज रॉन्ग। सो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें, ठीक है, तो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पता चलेगी, ठीक है। आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, इसका मतलब आपकी जो रीडिंग है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो बहुत अच्छे ग्रेड की है, ठीक है, तो आपको इसके बारे में एग्जैक्टली पता होगा। अगर नहीं पता है तो इसको ध्यान से देखें, देखने के बाद पता चलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि जो प्रेशर है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये क्लियर है, पर ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है? बिकॉज, तो इन ऑप्शंस के अंदर देखना है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर वो हमें रेशियो के बारे में पूछ रहा, ठीक है, कैसी रेशियो? फोर्स और एरिया की, ठीक है, फोर्स और एरिया की रेशियो के टर्म्स में पूछ रहा है कि प्रेशर अगर स्केलर क्वांटिटी है तो फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है दैट इट इज द रेशियो ऑफ द फोर्स टू द एरिया एंड बोथ फोर्स एंड एरिया आर वेक्टर्स, ठीक है, एक सिचुएशन तो ये गिवन है। दूसरी सिचुएशन ये हमें कह रहा है दैट इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स टू द एरिया। तीसरी ऑप्शन में कह रहा है रेशियो ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स नॉर्मल टू द एरिया। तो सबसे पहले इस सिचुएशन को समझते हैं। सपोज मेरे पास ये एक एरिया है, कोई गिवन एरिया है, से इसका एरिया है ए, क्लियर, और एक और एलिमेंट है, इसका एरिया भी ए ही है, ठीक है। अब इस सिचुएशन के अंदर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर दी, से ऐसे, ठीक है, सो दिस इज फोर्स एफ, और यही फोर्स मैंने क्या की यहाँ पे अप्लाई कर दी, ठीक है, सो दिस इज फोर्स एफ। तो दो सिचुएशन बन गई, फोर्स मैंने अप्लाई कर दी यहाँ पे। तो जो हमारी जो जनरल डेफिनेशन गिवन है बुक्स में, आपने थ्योरी में पढ़ा है, जो प्रेशर है, प्रेशर दैट इज इक्वल टू, कई बुक्स में तो लिखा है फोर्स पर यूनिट एरिया, कई बुक्स में लिखा है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, बट 9th क्लास के अंदर आपके लिखा हुआ है थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो पहला जो स्ट्राइकिंग डिफरेंस है वो यहीं से है कि अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, यहाँ तो फोर्स लिखता है, यहाँ थ्रस्ट लिखता है, ठीक है, तो बेसिकली इसको रॉन्ग मानेंगे, इसको कहेंगे कि ये गलत है। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है। अब थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट बेसिकली क्या है? परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स, किसके परपेंडिकुलर? जिस एरिया के करस्पॉन्डिंग आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे इसको यहां समझिए, ये फोर्स है, ठीक है, तो अगर हम सिंपली फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, अगर हम ये मैग्नीट्यूड की बात करें कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो यहां तो मैग्नीट्यूड तो फोर्स का सेम है, एरिया भी सेम है, तो दोनों ही सिचुएशन में प्रेशर सेम होना चाहिए, बट सेम नहीं होगा क्योंकि डेफिनेशन ओरिजिनली ये है। तो यहां से तो ये क्लियर हो गया कि बी तो गलत है, बी इज रॉन्ग। बट अब यहां पे देखते हैं, तो आप यहां पे इसको देखें कि इस फोर्स का जो कंपोनेंट है, से एंगल थीटा है, तो ये कंपोनेंट क्या होगा सर? एफ कॉस थीटा, ठीक है, तो फोर्स का ये कंपोनेंट, और कंपोनेंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक, तो जो प्रेशर है दैट इज एफ कॉस थीटा बाय द एरिया, ठीक है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो प्रेशर की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है, ठीक। तो अगर हम इस चीज को इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन को भी यहां पे देखते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ द फोर्स टू एरिया एंड बोथ फोर्स एंड एरिया आर वेक्टर्स, ठीक है, तो ये यहां गड़बड़ है कि जो इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स टू द एरिया, फोर्स टू द एरिया की जो डेफिनेशन है वो गलत है, इट इज थ्रस्ट टू द एरिया, ठीक है, फोर्स और एरिया दोनों वेक्टर्स हैं, ये बात तो ठीक है कि फोर्स तो वेक्टर है ही, और जो एरिया है, एरिया ये एरिया है, इस एरिया को अगर मैं एरिया वेक्टर लिखना चाहूं तो मैं यहां पे इसके साथ एक यूनिट वेक्टर एसोसिएट कर दूंगा सच दैट यू कैन हैव दिस एरिया वेक्टर। तो एरिया और फोर्स दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, और अगर आप
प्रेशर को ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे, प्रेशर को ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि आप किन्हीं दो वेक्टर्स को डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस बेसिस पे जो आपकी जो ऑप्शन ए है ये रॉन्ग है। क्लियर। तो सी ऑप्शन को देखते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स नॉर्मल टू द एरिया। तो ये बात हमने यहां लिखी है, तो इसका मतलब हमारी जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। अब डी ऑप्शन को देखते हैं। डी ऑप्शन के अंदर क्या कह रहा है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द एरिया चोजन, कि जो प्रेशर होगा ठीक है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, डज नॉट डिपेंड। तो इस बात को समझने के लिए आपको इस बात पे फोकस करना पड़ेगा कि फ्लूइड के अंदर, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, तो फ्लूइड के अंदर प्रेशर होता क्यों है, किस वजह से प्रेशर होगा। ठीक है, अगर हम इस फार्मूले को देखेंगे तो ये फार्मूला तो हमें कंफ्यूज कर देगा कि ये जो फोर्स और एरिया की जो रेशियो है जिसको हमने यहाँ प्रेशर कहा, तो जो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ाया और जो हमारा जो जनरल कंसेप्ट है प्रेशर का, तो वहां पे आप ध्यान रखें कि वहां पे जो हम प्रेशर बोलते हैं दैट इज द प्रेशर जनरेटेड बाय अ फोर्स। ठीक है, दैट इज द प्रेशर जनरेटेड बाय अ फोर्स। मैंने यहाँ पे फोर्स लगा रखी है गिवन एरिया पे, तो उसके करस्पोंडिंग एक प्रेशर पैदा हो रहा है, तो ये उसकी बात हो रही है। बट फ्लूइड प्रेशर को हम किस तरह से देखेंगे वो इम्पोर्टेंट है, तो उससे समझ आएगा कि जो प्रेशर है वो एरिया पे डिपेंड करता है या नहीं करता है। तो इन जनरल केसेस जो आप पढ़ते हैं, जैसे सपोज आपने कोई एक बैग लिया, आपके पास कोई एक बैग है ठीक है, उस बैग का वेट से 100 न्यूटन है, 10 kg का बैग है, और यहाँ पे जो स्ट्रैप है जिससे आप उसको पकड़ रहे हैं, तो आप कहते हैं कि अगर इस स्ट्रैप का जो एरिया है ठीक है, इस स्ट्रैप का जो एरिया है अगर वो लार्ज है तो यू विल फील लेस प्रेशर। ठीक है, क्योंकि इस सिचुएशन में फोर्स 100 न्यूटन गिवन है, तो यहाँ पे एरिया वेरिएबल है, एरिया वेरिएबल है। अगर ये स्ट्रैप पतला होगा तो प्रेशर ज़्यादा जनरेट होगा। ठीक है, आप यही कहते हैं, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा जनरेट होगा। जैसे नेल का एग्जांपल लेते हैं कि नेल का जो पिन पॉइंट है, तो वहाँ पे अगर वो पिन छोटा है या बड़ा एरिया है तो प्रेशर अकॉर्डिंगली जनरेट होगा। तो वो प्रेशर की जो बात है वो गिवन फोर्स के लिए है, तो वहाँ फोर्स गिवन फोर्स के लिए जो एरिया डिफाइन करके एरिया वेरिएबल है तो हम प्रेशर निकालते हैं। बट यहाँ पे जब वो फ्लूइड प्रेशर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपको एक बेसिक बात के ऊपर ध्यान देना है। तो आपने जो डेफिनेशन पढ़ी होगी ठीक है, मैं उसको रिमाइंड करा देता हूँ आपको। आप इसको अपनी जो भी टेक्स्ट बुक है, अच्छी टेक्स्ट बुक, NCERT, रेसनी कैलेडे, या किसी अच्छी बुक से पढ़ें, बाकी जितनी जो देसी वर्जन है सब में बकवास लिखा हुआ है। ठीक है, तो वहां कह रहा है दैट द प्रेशर एट ए पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि प्रेशर एट अ पॉइंट डिफाइंड है, से ये एक पॉइंट है इसका नाम मैंने रख दिया एक्स, इस एक्स पॉइंट पे जो प्रेशर ऑफ द फ्लूइड है वो प्रेशर ऑफ द फ्लूइड हर डायरेक्शन में है। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखनी है कि जो प्रेशर है लिक्विड का इस पॉइंट पे वो हर डायरेक्शन में है, इसलिए प्रेशर स्केलर है, प्रेशर की डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है, कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इधर भी प्रेशर लग रहा है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है। अब अगर इस पॉइंट एक्स पे मैं कोई एक एरिया एलिमेंट ले जाऊं ठीक है, जिसका एरिया क्या है डी ए, ठीक है, बहुत स्मॉल है ठीक है, तो ये जो स्मॉल एलिमेंटल एरिया है ये एलिमेंटल एरिया एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस एरिया के परपेंडिकुलर, जिसको आप क्या लिखते हो डी एफ बाय डी ए, एंड द प्रेशर इज लिमिट दिस डी ए टेंड्स टू जीरो। ठीक है, तो ये बहुत स्मॉल है। ठीक, तो यहां पे जो ये रेशियो है डी एफ बाय डी ए, क्या ये जो रेशियो है ये यूनिट एरिया आपने चूज किया है, अगर आप इस एरिया को बढ़ाएंगे तो कोरस्पोंडिंग जो फोर्स है वो भी बढ़ जाएगी, तो किसी एक गिवन पॉइंट पे ये रेशियो फिक्स्ड है। अगर इसी लेवल के ऊपर आप और कोई पॉइंट लेते, आप और कोई पॉइंट लेते, तो वहां पे भी यही कंडीशन रहती। ठीक,
अगर आप इस एरिया को बड़ा कर ले, सपोज यहां तो मैंने डीए चूज किया, अगर मैं 2DA चूज कर लूं, 2DA चूज कर लूं, इससे एरिया को बढ़ा दूं, तो जो करस्पोंडिंग फोर्स ये वाला एरिया जो एक्सपीरियंस करेगा दैट विल बी 2DF, सच दैट द प्रेशर ऑन इट विल रिमेन सेम इस लेवल के ऊपर। ठीक, दूसरी बात ये भी कहा कि प्रेशर हर डायरेक्शन के अंदर एग्जर्ट हो रहा है, तो अगर आप इसको हॉरिजेंटल रखने की बजाय इसको वर्टिकल भी कर देंगे और एक्स पॉइंट यहां पे इस रेफरेंस पे आएगा, तो यहां पे भी जो ये प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहा है, ये यहां पे इस पॉइंट पे प्रेशर सेम है, तो यहां पे जो फोर्स एग्जर्ट होगी, सपोज इसका एरिया भी क्या है, डी ए है, तो यहां पे भी प्रेशर क्या होगा, पी। तो इसलिए पी स्केलर है क्योंकि ये हर डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रहा है और इस एरिया की ओरिएंटेशन के इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए प्रेशर स्केलर है और प्रेशर एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको देख के कंफ्यूज ना हो, जिनको ये बात समझ नहीं आ रही है, ठीक है, बहुत बच्चों को समझ नहीं आती है क्योंकि बुक्स में इसी तरह से ही डिफाइन कर रखा है, पर यहां पे क्लैरिटी नहीं होती है स्टूडेंट्स को कि ये क्या मामला है, तो मैं इसको एक और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अगर आप प्लस वन के स्टूडेंट हैं और आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस नहीं पढ़ा है तो आप उसको पढ़ लेंगे, अगर आप प्लस टू के स्टूडेंट हैं तो आपको बड़ी आसानी से बात समझ आ जाएगी। क्या है वो बात कि आप ये देखिए कि आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर प्रेशर को डिफाइन कैसे किया है, तो आप वहां कह रहे थे कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी एक सरफेस से टकराते हैं, टकरा के इलास्टिक कोलिजन करते हैं और रिमाउंड करते हैं, तो हमने वहां पे जो प्रेशर को डिफाइन किया है, ठीक है, वो क्या डिफाइन किया है, द प्रेशर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया इस तरह से डिफाइन किया है। ठीक है, तो P को क्या डिफाइन किया है, dP by dT by A। ठीक है, तो dP by dT तो F ही होता है, ठीक है, फोर्स होता है डिवाइडेड by A, तो प्रेशर को हमने यहां पे इस तरह से डिफाइन किया, और वहां पे भी आपके पास जो गैस का प्रेशर आता है 1/3 रो सी स्क्वायर आता है, तो यहां एरिया कहां है, एरिया तो है ही नहीं। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जब मॉलिक्यूल्स यहां पे टकराते हैं तो उसकी वजह से इस सरफेस पे मोमेंटम ट्रांसफर होता है, तो मोमेंटम ट्रांसफर पर सेकेंड पर यूनिट एरिया को हम प्रेशर डिफाइन करते हैं। अगर आप देखें कि आपके पास शुरू में एरिया डी ए है तो ये कुछ नंबर ऑफ पर्टिकुलर कोलिजन्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, और वही कोलिजन्स हम यहां पे कंसीडर करेंगे जो कोलिजन इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लिक्विड को रेस्ट पे मान रहे हैं, तो कोई भी कंपोनेंट और किसी डायरेक्शन के अंदर अगर हम कंसीडर करेंगे तो ये वाला जो एरिया है दैट विल एक्सेलरेट, और वो कंडीशन यहां पे नहीं है क्योंकि यहां पे रेस्ट पे हम इस चीज को कंसीडर कर रहे हैं, तो इसलिए केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये भी क्लियर होना चाहिए। तो आप यहां पे देखें कि अगर मैं एरिया को बढ़ाऊंगा तो ये एरिया नंबर ऑफ कोलिजन जो एक्सपीरियंस करेंगे वो भी इक्विवेलेंटली बढ़ेंगे, मतलब क्या, जो मोमेंटम ट्रांसफर पर सेकंड पर यूनिट एरिया और एरिया, ये वाली रेशियो फिक्स है एक गिवन पॉइंट पे, ये बात ध्यान रखनी है, एक गिवन पॉइंट पे ये रेशियो क्या है, फिक्स्ड है। तो फ्लूइड्स के अंदर किसी भी एक गिवन पॉइंट पे प्रेशर डिफाइंड है, प्रेशर फिक्स्ड है, और वहां पे आप कोई भी एरिया चूज कर ले प्रेशर चेंज नहीं होगा। ठीक है, और फ्लूइड में और फर्दर जब आप जाते हैं तो आप प्रेशर को किसी भी एक गिवन डेप्थ पे क्या लिखते हैं, रो जी एच, यहां तो प्रेशर, यहां तो एरिया को कोई खेल ही नहीं है। ठीक है, तो आप यहां से भी याद रख सकते हैं, पर बेसिक रीजन ये है इसका। ठीक है, तो अगर हम इस इंफॉर्मेशन को अपने ध्यान में रखें तो हमारी जो ये ऑप्शन डी है ये करेक्ट है, और जो कह रहे हैं दैट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द एरिया चोजन। ठीक है, तो आप इसको इंटरनेट पे, यूट्यूब पे और बाकी कई जगह देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने तो इसको गलत कहा है, ठीक है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। सही ये है कि ये डिपेंड नहीं करता, तो उसका रीजन मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। तो आप किसी अच्छी बुक को पढ़ेंगे, रसनी हैलिडे पढ़ें और अच्छी बुक्स पढ़ें, तो वहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ।